तो मेल मर्ज की बात कर रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 मैंने ओपन किया, ठीक है, ब्लैंक क्लिक करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उस पर मैंने क्लिक किया है। अब ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ चुका है, थोड़ा सा साइज जो है हमने घटा दी है, उसको साइज को 100 रखते हैं हम, ये 100 हो गई साइज। अब यहां पे हमें क्या करना है, यहां पे हमें मेलिंग्स पे जाना है, ये मेलिंग मेल मर्ज के लिए अलग से टैब बना हुआ है, ठीक है, बहुत ही इजी वे में सिखाता हूं। ये देखो यहां पे मेलिंग पे जाओ, मेल मर्ज करता क्या है, एक लेटर को, लेटर एक ही है ठीक है, और उस लेटर को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है, ठीक है। तो आप लिखिए एक बार, लेटर एक बार लिख दीजिए और लिस्ट उन लोगों की बना लीजिए, ठीक है, एक ही लेटर एक ही बार में कई सारे लोगों को जाएगा, ये मतलब होता है मेल मर्ज का, ठीक है। अब यहां पे मेलिंग टैब पे चलते हैं, मेलिंग टैब पे आ गए, यहां से भी जाके आप बना सकते हैं, यहां से भी जाके बना सकते हैं, तो यहीं पे हम चलेंगे और यहां पे लेटर आप चूज कर सकते हैं, यहां से भी आपका मेल मर्ज ओके हो जाएगा, बन जाएगा, मेल मर्ज आप कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप यूज करें, तो स्टेप बाय स्टेप पे चलते हैं। जैसे ही स्टेप बाय स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहां साइड में एक टास्क पेन खुल करके आ जाएगा मेल मर्ज का, ठीक है। यहां पे आपको लेटर दिख रहा है, ईमेल मैसेजेस दिख रहा है, एनवलप दिख रहा है, लेबल्स दिख रहा है और डायरेक्टरी दिख रहा है। हमें क्या करना है, हमें लेटर ही लिखना है, तो लेटर पे टिक रखिए, क्लिक रखिए और यहां स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे कर दीजिए क्लिक। अब देख लीजिए कि आपके पास पहले से कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो हम इस करेंट डॉक्यूमेंट का ही यूज करने वाले हैं। तो करेंट डॉक्यूमेंट पे किया, अगर आपके पास पहले से मौजूद है कोई डॉक्यूमेंट तो यहां पे स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे भी आप कर सकते हैं क्लिक, ठीक है। हमारे पास पहले से नहीं है, हम अभी बना रहे हैं, इसलिए हम यूज द करेंट डॉक्यूमेंट यही रखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहां पे सेलेक्ट रेसिपिएंट पे जाना है आपको, ये जो दिख रहा है ना नीचे, नेक्स्ट में सेलेक्ट रेसिपिएंट यहां पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां तीन ऑप्शन डिस्प्ले होंगे, कौन से, यूज एंड एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्या आपने पहले से कोई लिस्ट बना के रखी है, बना के रखी है क्या, नहीं बना के रखी है, तो अभी ये दूसरा है सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट्स। आउटलुक क्या होता है, देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ईमेल्स वगैरह करने के लिए जो प्रोवाइड किया गया था सॉफ्टवेयर, उसे हम कहते थे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, उसी को आउटलुक कहते हैं, ठीक है। और आउटलुक पर आप ईमेल तभी भेज सकते हैं जब जिस व्यक्ति को आप ईमेल भेज रहे हैं उसका आउटलुक पर अकाउंट होना चाहिए, जबकि जीमेल वगैरह पर अकाउंट है तो क्या उसमें है प्रोसीजर, उसमें प्रोसीजर ये है कि आप जीमेल से अगर किसी ने रेडिफ पे बना रखा है अपना ईमेल आईडी या किसी ने आरकुट पे बना रखा है ईमेल आईडी, तो वो आरकुट पे भी जा सकता है, रेडिफ पे भी जा सकता है, किसी पे चला जाएगा, ठीक है, याहू पे बना रखा है तो याहू पे भी जाएगा। लेकिन इसमें क्या प्रोसीजर था, आपका आउटलुक पर अकाउंट होना चाहिए अगर आप ईमेल करना चाहते हैं किसी को, और अगले व्यक्ति जिसको आप ईमेल करना चाहते हैं ये भी जरूरी है कि उसका भी आउटलुक पर अकाउंट हो। तो हमें इसको अभी चूज नहीं करना, हम टाइप ए न्यू लिस्ट, अपनी न्यू लिस्ट बनाने वाले हैं। जैसे ही टाइप ए न्यू लिस्ट पर क्लिक करेंगे क्रिएट यहां आ जाएगा, क्रिएट पर कर दीजिए क्लिक। क्लिक करने के बाद यहां कस्टमर, अब देखिए ये कितनी बड़ी लिस्ट खुली है, टाइटल है, फिर फर्स्ट नेम है, फिर लास्ट नेम है, फिर कंपनी नेम है, फिर एड्रेस लाइन वन है, एड्रेस लाइन टू है, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री है, फिर यहाँ पे होम फोन है, फिर वर्क फोन है, फिर ईमेल है। इतना ज्यादा ये सब लिखना पड़ेगा एक आदमी के लिए, हम इतना नहीं चाहते। हम क्या करते हैं, कस्टमाइज कॉलम पे चलते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए, सब हटा देते हैं। तो यहाँ से लाइन वाइज आप पहले डिलीट कर लीजिए, तो ये डिलीट कर रहा हूं मैं इसको लाइन वाइज, ये देखिए आप चाहे तो रीनेम कर सकते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं तो यहां से रीनेम भी कर सकते हैं, यहां पे जाके रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूं, जैसे स्टेट को रखना चाहता हूं, जिप कोड को डिलीट करना चाहता हूं, जिप कोड को डिलीट कर दिया, स्टेट को रखना है नो करता हूं इसको, कंट्री इसको भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है, होम फोन इसको भी डिलीट करता हूं, और फिर वर्क फोन इसको भी डिलीट करता हूं, ठीक है, और फिर ईमेल एड्रेस भी नहीं चाहिए हमें, हटा देते हैं इसको। अब हम क्या चाहते हैं, हम एक न्यू लिस्ट बनाएंगे, तो ऐड पे क्लिक करेंगे। अब जो जिस दोस्त को हम ये लेटर देना चाहते हैं, जिस अपने सगे संबंधी या रिश्तेदार को ये लेटर देना चाहते हैं, उसका नेम यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए ये नेम जो है नीचे आ रहा है, स्टेट ऊपर आ रहा है, तो इसको ऊपर करना है तो मूव अप पे क्लिक कर दीजिए। देखिए इसी को करना है ना, इसको मैंने सेलेक्ट रखा है, सेलेक्ट कैसे होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट हो गया, नीले रंग में हाईलाइट हो गया, मतलब सेलेक्ट हो गया। अब इसको मूव अप कर दीजिए, तो मूव अप किया आपने तो ये ऊपर हो गया। अब ओके, अब देखिए ओके अभी नहीं, अभी ऐड पे क्लिक कीजिए फिर, तो अब आएगा नेम के बाद एड्रेस, ठीक है, तो एड्रेस कर दिया हमने, ठीक है, ये एड्रेस हो गया, एड्रेस आ गया। अब फिर ऐड करता हूं, अब सिटी चाहिए,
तो ये सिटी कर लेता हूं यहां पे, कैपिटल सी आई टी वाई, सिटी कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। अब हमें सिटी के बाद क्या करना है, पिन करना है, तो पिन यहां कर दिया, तो पिन लिख दिया। ठीक है, इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है। अब देखिए इतनी ही इंफॉर्मेशन आ रही है, नेम एड्रेस सिटी पिन स्टेट। ठीक है, अब यहां पर लिखना है, जैसे मान लीजिए एक हमारे फ्रेंड है राम, तो इनको हम लेटर ये भेज रहे हैं। ठीक है, एड्रेस है न्यू कॉलोनी देवरिया, ये एड्रेस है इनका। ठीक है, यहां पर आ गए, सिटी एन की देवरिया, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो सिटी देवरिया हो गई। अब पिन कोड क्या है, जो भी पिन कोड है वो डाल दीजिए। ठीक है, मैंने डमी पिन कोड डाल दिया और स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहां पर आ गए। अब यहां पर लिखता हूं श्याम, इंक्रीज कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, इसमें टैप करेंगे तो यहां पर और भी आ जाएगा, या फिर न्यू एंट्री पे भी क्लिक कर सकते हैं। और यहां से ओके प्रेस कर देता हूं, तो ओके प्रेस करते ही ये सेव करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहां इसको कोई नाम देना होगा, सेव करने से पहले इसे कोई नाम देना होगा, तो यहां पे नाम दे देते हैं। तो यहां पे मैं नाम दे देता हूं लेटर, ये दे दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो ये हो गया, इस तरीके से आ गया। अब इसको ओके प्रेस कर देता हूं। अब यहां पे देख रहे हैं साइड में ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे हमें राइट अ लेटर पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहा है ना राइट अ लेटर, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एड्रेस ब्लॉक दिखाई देगा। ठीक है, पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक कर दीजिए, जो आपको पसंद हो स्टाइल लिखने की। देखिए जैसे पहले ही वाली स्टाइल चूज करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, दूसरी वाली स्टाइल चूज करेंगे तो नाम भी आएगा और ये भी आएगा। यहाँ ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये एड्रेस ब्लॉक आ गया, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ग्रीटिंग लाइन, आपको याद होगा कि बचपन में हम लोग ग्रीटिंग वगैरह दिया करते थे, तो ये ग्रीटिंग लाइन है। यहाँ से ग्रीटिंग लाइन देख लीजिए, टू डियर क्या करना है, तो डियर रहने देता हूं मैं। और यहाँ नीचे देख लीजिए, ये ग्रीटिंग लाइन है। ठीक है, तो सर ऑब्लिक मैडम कर दिया मैंने, ओके प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस किया। अब इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट पेज को आपको नहीं टच करना, यहां मोर आइटम्स पे आ जाइए, नेम ले लिया हमने, क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। ठीक है, और फिर अब क्या लेना है, नेम के बाद एड्रेस ले लेते हैं, इंसर्ट किया, क्लोज किया, एंटर प्रेस किया। फिर यहां पर मोर आइटम्स पे आ जाते हैं, फिर यहां पे सिटी ले लिया, एंटर प्रेस किया, क्लोज किया, और फिर एंटर प्रेस किया। फिर यहां पे नीचे आते हैं मोर आइटम्स पे, और फिर पिन ले लेते हैं, इंसर्ट किया, और फिर क्लोज किया, और एंटर प्रेस किया। ठीक है, फिर यहां मोर आइटम्स पे आ जाते हैं, स्टेट, इंसर्ट, क्लोज, ओके। अब यहां पर हमें वो लेटर टाइप करना है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में लेटर टाइप करके दिखा देता हूं। यहां से जाके मैं फॉन्ट चेंज कर लेता हूं अपना, एंटर प्रेस करता हूं। अब हम हिंदी में लेटर टाइप करेंगे। ठीक है, कर लिया हमने, इस तरीके से ये लेटर हमने लिख दिया, ये लेटर हिंदी में है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना है आपको, अब यहां से प्रीव्यू योर लेटर पे करना है क्लिक। ठीक है, कितने लोगों को लेटर हमने लिखा था, तीन लोगों को, तो ये तीन लोगों को लेटर हमने लिखा है। अब यहां पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो नेम की जगह नेम, एड्रेस की जगह एड्रेस, सिटी की जगह सिटी, स्टेट की जगह स्टेट, और ग्रीटिंग लाइन की जगह ये आया हुआ है, देख सकते हैं आप। और ये नीचे लेटर, तो ये पहला लेटर है जो किसको जा रहा है, राम को जा रहा है। यहां से देखिए दूसरा लेटर आपको दिख जाएगा जो श्याम को जा रहा है, फिर अवनीश को जा रहा है। ये तीन लोगों को लेटर हमने लिखा था, तीनों लोगों का लेटर आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कंप्लीट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, और यहां से प्रिंट करिए, लिफाफे में डालिए, और लेटर जो है डाकखाने में डालिए, आपका लेटर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, थैंक यू।